तुर्की में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। जंगलों से शुरू हुई आग अब शहरी इलाके में पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि 60 जगहों पर आग लगने की घटनाएं हुई हैं। इस अग्निकांड में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है। तुर्की के अधिकारी अब रहस्यमय तरीके से लगी इस आग के कारणों की जांच कर रहे हैं। वहीं लेबनान में भी आग लगने की घटना हुई है, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई। तुर्की में आग लगने की घटना के कई खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर शेयर किए जा रहे हैं। एक वीडियो में नजर आ रहा है कि लोग एक समुद्री बीच पर बैठे हैं और धूप ले रहे हैं, तभी अचानक से आग उनके बेहद करीब आ जाती है। इसके बाद वे लोग अपना बोरिया बिस्तर लेकर तट से काफी दूर चले जाते हैं। तुर्की के कृषि और वन मंत्री बेकप आकडेमिरली ने कहा कि बुधवार और गुरुवार को जंगल में आग लगने की 53 घटनाएं हुई हैं। बताया जा रहा है कि तुर्की के अंतलिया इलाके में मारे गए 3 लोगों में एक 82 साल के बुजुर्ग भी शामिल हैं। यह व्यक्ति अकसेकी में रहते थे, जो तुर्की के दक्षिणी तट पर बसा हुआ है। आग लगने की वजह से 20 गांवों और उनके पड़ोसी इलाकों को खाली करा लिया गया है। आग की चपेट में आए 50 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, CFI समाचार। इराक की राजधानी बगदाद में गुरुवार अलसुबह 2 रॉकेट से हमला किया गया। ये रॉकेट बगदाद के ग्रीन जोन में दागे गए, जहां अमेरिकी दूतावास का कार्यालय है। इराकी सुरक्षा बलों के मुताबिक इस हमले में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। ये हमले उस समय किए गए जब इराकी प्रधानमंत्री मुस्तफा अलकादमी वॉशिंगटन से इराक लौट रहे थे। वे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करने गए थे, जहां बाइडेन ने ऐलान किया वे इराक में अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन को जारी नहीं रखेंगे। कुछ दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया था कि 2021 के अंत तक अमेरिका ईरान से अपनी सेना हटा लेगा। हालांकि बाइडेन ने ये भरोसा दिलाया था कि अमेरिका इराकी सेना को ट्रेनिंग और सुझाव देता रहेगा। देश में बचे हुए इस्लामिक स्टेट से निपटने के लिए फिलहाल इराक में 2500 अमेरिकी ट्रूप तैनात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, CFI समाचार। कोलंबिया की प्रसिद्ध गायिका शकीरा द्वारा कथित कर चोरी के मामले की जांच करने वाले स्पेन के न्यायाधीश ने उस पर मुकदमा चलाने की सिफारिश की है। जांच में यह निष्कर्ष निकला कि ऐसे सबूत हैं कि पॉप स्टार ने देश में कर चुकाने की प्रतिबद्धता का पालन नहीं किया। शकीरा के पॉप, रॉक और लैटिन गानों के दुनिया भर में करोड़ों दीवाने हैं। न्यायाधीश मार्को जुबेरियास ने अपने आदेश में लिखा है कि 3 साल की उनकी जांच में पाया गया कि इस मामले में शकीरा के खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। इस फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है। अभियोजकों ने दिसंबर 2019 में आरोप लगाया कि गायिका ने स्पेन में 2012 और 2014 के बीच $1.64 करोड़ कर का भुगतान नहीं किया। पनामा में अपने आवास के बावजूद वह इस अवधि में स्पेन में रह रही थी। 44 साल की शकीरा ने जून 2019 में अपनी गवाही में किसी गड़बड़ी से इनकार किया था। शकीरा की जनसंपर्क टीम ने कहा था कि कर कार्यालय द्वारा बकाए के बारे में सूचित करने पर उन्होंने रकम का भुगतान कर दिया था। कर चोरी के लिए दोष साबित होने पर शकीरा पर जुर्माना लग सकता है और जेल की सजा हो सकती है। हालांकि 2 साल से कम कारावास होने पर न्यायाधीश पहली बार अपराध करने वाले गुनहगार की सजा माफ कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, CFI समाचार।